स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के ऐसे महान विद्वान थे जिनके ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत में भारत के ज्ञान का प्रकाश फैला था। एक सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान से युक्त अनेक ग्रंथों की रचना की और उस ज्ञान से करोड़ों युवाओं को एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन ही सबके लिए एक सीख का माध्यम है। तो आइए स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई एक कहानी पर हम नजर डालते हैं और देखते हैं कि उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी लग रहा था। आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर भी करता हूं, फिर भी आज तक मैं कभी सफल नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक मैं आपकी समस्या का हल ढूंढता हूं। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने लेने चला गया। फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास लौट आया। तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है जबकि तुम थोड़े से थके हुए नहीं लग रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था, यदि सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें जो करना है और जो कुछ भी बनना है हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये मोरल स्टोरी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जो अपने व्यूज़ हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और विवेकानंद समिति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे घंटे वाला बटन है ना उसको दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले सर्वप्रथम पहुँच जाएँ। धन्यवाद।